वसंत भाग एक का प्रथम अध्याय है वह चिड़िया जो। ये कविता है और ये कविता केदारनाथ अग्रवाल जी द्वारा रचित है। इसे बड़े ही सुंदर भावों में और बड़ा ही अच्छे तरीके से कवि ने अपने मन की कल्पनाओं को एक चिड़िया के द्वारा प्रेषित किया है। तो सर्वप्रथम मैं बताना चाहूंगा आप लोगों को कि इस कविता का हम सबसे पहले पाठ करेंगे। वह चिड़िया जो चोंच मार कर दूध भरे जुंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है, वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूं, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। चिड़िया ने अपने मन की कल्पना प्रथम पैरा जो पहला भाग है इस कविता का प्रथम पैराग्राफ है उसमें कही है। दूसरा पैराग्राफ है वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े वन बाबा की खातिर रस उनेल कर गा लेती है, वह छोटी मुंह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूं, मुझे विजन से बहुत प्यार है। और जो इस कविता का तृतीय तीसरा जो पैराग्राफ है हम उसमें पढ़ेंगे कि वह चिड़िया जो चोंच मारकर चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है, वह छोटी गर्वीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूं, मुझे नदी से बहुत प्यार है। तो इस कविता को हम सबसे पहले पढ़ेंगे, फिर इस कविता का हम भावार्थ जानेंगे कि इसका अर्थ क्या है। तो मैं पहला आप लोगों को पैराग्राफ पढ़ा रहा हूं दोबारा से। हम अब उसका साथ साथ अर्थ भी करते चलेंगे। जैसे वह चिड़िया जो मन के कल्पना रूपी जो चिड़िया है कवि की, कि वह चिड़िया जो चोंच मारकर, चोंच माने उसका जो मुंह है, कौन सी चिड़िया, जो कवि के मन रूपी जो कल्पना में जो चिड़िया की गई है उस चिड़िया का, कि वह चिड़िया जो चोंच मारकर मतलब अपने मुंह को दूध भरे जुंडी के दाने, वह अपने मुंह से दूध भरे जुंडी के दाने, जुंडी कहते हैं चाहे गेहूं हो जौ हो बाजरा हो, उनके अध पके जो दाने होते हैं जिनमें द्रव्य होता है दूध जैसा एक पदार्थ होता है, उसके लिए कि दूध भरे जुंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है। रुचि कहते हैं इंटरेस्ट लेकर के, मतलब किसी भी चीज को स्वाद लेकर के खाना, उसे रुचि से रस से खा लेती है, उसे स्वाद ले लेकर के वो खा लेती है वह छोटी संतोषी चिड़िया। और यहाँ पर कवि ने उसके आकार की कल्पना की है, वो कैसी चिड़िया है, बोले वो छोटी चिड़िया, वह छोटी संतोषी चिड़िया। और कैसी है, बड़ी संतोष रहने वाली, वो मतलब ज्यादा इधर उधर भागने वाली नहीं, संतोषी चिड़िया है। और किस रंग की है, बोले नीले पंखों वाली मैं, कैसी है वो, नीले रंग की है और मुझे अन्न से बहुत प्यार है। कवि ने कहा कि चिड़िया कहती है कि मुझे अन्न से, क्योंकि अन्न हमारे जीवन यापन का एकमात्र जरिया है, कि मुझे अन्न से बहुत प्यार है। इसके बाद कवि ने कहा कि वह चिड़िया जो, कौन सी, वही चिड़िया, उसी के बारे, चिड़िया के बारे में बात हो रही है, कि वह चिड़िया जो कंठ खोलकर, कंठ कहते हैं गले के लिए, और वह गला खोलकर मतलब गला खोलकर मीन्स कि स्वर सहित किसी भी संगीत को लयबद्ध तरीके से गाना, तो वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े वन बाबा की खातिर, बूढ़े कहते हैं हम वृद्ध के लिए जो ओल्ड एज होता है, वन बाबा, यहाँ पर वन को बाबा इसलिए कहा गया क्योंकि वह बहुत घना है बहुत पुराना है, इसीलिए उसको वन बाबा की एक संज्ञा दी गई है। रस उंडेल कर गा लेती है, रस उंडेलना मतलब किसी भी उसमें गिराना, उंडेलना मतलब होता है कि किसी भी द्रव्य को किसी दूसरे हम बर्तन में किसी जगह पर रखना, उसे उड़ेलना, उसी को कि रस उड़ेल कर, और गले में अपने कंठ में जैसे कि सबको सुंदर लगे सबको प्रिय लगे
रस उड़ेल कर गा लेती है, ऐसा रस अपने गले में उड़ेल कर और वो गाना प्रारंभ कर देती है। रस उड़ेल कर गा लेती है वह छोटी मुंह बोली चिड़िया। कौन सी? वो छोटी सी जो जिसका फिर आकार बताया गया कि वह छोटी मुंह बोली चिड़िया, नीले पंखों वाली मैं हूं। और फिर यहाँ पर उसका रंग बताया गया, बोले कैसी है, बोले नीले पंखों वाली मैं हूं। और मुझे विजन से बहुत प्यार है, मुझे विजन से बहुत प्यार है। विजन कहते हैं हम एकांत के लिए। तो उसने कहा कि मुझे एकांत, एकांत का मतलब होता है शांति का, कि मुझे शांति का बहुत, मतलब मुझे शांति से बहुत प्यार है। जहां पर प्रकृति का ऐसा सुंदर वातावरण हो, यहाँ प्रकृति के समीप लाने के लिए उस चिड़िया ने ऐसा कहा। वह चिड़िया जो चोंच मारकर, वही चिड़िया चोंच मारकर अपने मुंह से चढ़ी नदी का दिल टटोल कर। और कैसी? दिल चढ़ी नदी, चढ़ी नदी मतलब है कि नदी जब उफान पर हो, उसकी लहरें बड़ी तीव्र गति से उठ रही हो और बड़े वेग से वो बह रही हो, तो चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले आती है। और जब उसका जल रूपी मोती को अपनी चोंच में ले आती है, वह छोटी गर्वीली चिड़िया। छोटा यहाँ पर इसलिए कहा कि वह छोटी बेशक है, लेकिन गर्वीली मतलब साहसी भी है वो। नीले पंखों वाली मैं हूं, और कहा कि नीले पंखों वाली मैं हूं, मुझे नदी से बहुत प्यार है। एक छोटी सी बात आप लोगों को बताऊंगा बेटा, कि वह छोटी गर्वीली चिड़िया, वह छोटी है बेशक लेकिन वो साहसी भी है। वो छोटी बेशक है लेकिन वो साहसी भी है। वो हमारी तुम्हारी तरह नहीं है कि उसे लगे कि अरे मेरे से तो ये काम होगा ही नहीं, मुझे तो ये प्रश्न का उत्तर आएगा ही नहीं, मुझे तो ये कविता समझ आएगी नहीं, मैं इस चैप्टर को तो पूरा कर ही नहीं सकता। नहीं, उसको करने का प्रयास करोगे तो जरूर होगा। यहाँ पर इसीलिए कहा कि वह छोटी, वो छोटी सी तो है लेकिन गर्वीली साहसी चिड़िया है। नीले पंखों वाली मैं हूं, मुझे नदी से बहुत प्यार है। और मुझे नदी से बहुत प्यार है, ऐसा चिड़िया ने बोला। तो प्यारे बच्चों, आपको इसका अर्थ भी भावार्थ भी पता चल गया होगा। जैसा कि मैंने आप लोगों को इसका पहले आपको पठन करके, आपको पढ़ करके सुनाया, फिर उसके बाद मैं इसका अर्थ बताया। इसी के आधार पर हम कविता से जो कुछ प्रस्तुत हमारे प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को हम पहले अपने आधार से ही इनको मनन और इनका चिंतन करेंगे। इन्हें कविता के अर्थ के द्वारा ही इनको हम अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। तो पहले मेरा मानना है कि पहले आप लोग इन प्रश्नों का अभ्यास करें। तो कविता पढ़कर तुम्हारे मन में चिड़िया का जो चित्र उभरता है, उस चित्र को कागज पर बनाओ। हमें एक सुंदर सी चिड़िया का चित्र बनाना है। तुम्हें कविता का कोई और शीर्षक देना हो तो क्या देना चाहोगे? उपयुक्त शीर्षक सोच करके लिखो। तो हमारा प्रश्न कहता है कि हमारी इस कविता का नाम है कि वह छोटी वह चिड़िया जो, तो हम इसका कई अपने तरीके से नाम लिख सकते हैं। जैसे कविता का शीर्षक हम लिखते हैं नीले पंखों वाली चिड़िया, छोटी चिड़िया, गर्वीली चिड़िया, साहसी चिड़िया, यथा अनुरूप। आपको और कोई इससे उपयुक्त कोई अच्छा नाम लगता हो इस कविता के लिए, तो वो आप अपने मन के अनुरूप जरूर लिखेंगे, लेकिन कविता का संबंध उस नाम से जरूर होना चाहिए, ये खास ध्यान रखेंगे। तीसरा प्रश्न है हमारा, इस कविता के आधार पर बताओ कि चिड़िया को किन किन चीजों से प्यार है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपने सुना होगा कि चिड़िया को सर्वप्रथम, पहला जो पैराग्राफ था उसमें लिखा था कि चिड़िया को अन्न से प्यार है। दूसरा, चिड़िया को
दूसरा जो पैराग्राफ था उसमें लिखा था कि चिड़िया को विजन से प्यार है, और तीसरा पैराग्राफ था उसमें लिखा था कि चिड़िया को नदी से प्यार है। तो आप इसमें लिखेंगे कि इस कविता के आधार पर बताओ कि चिड़िया को किन किन चीजों से प्यार है। कवि ने चिड़िया को छोटी, संतोषी, मुंहबोली और गर्वीली चिड़िया क्यों कहा है। तो प्यारे बच्चों, आप देखेंगे कवि ने पहली चिड़िया के आकार की बात कही है कि वह छोटी है, उसका संबंध हमारे और आपसे ही है। जैसे कि हम हमारी आपकी जो कक्षा है वो कक्षा छठवीं है, और उसका उसमें मुझे लगता है कि आप भी मेरे लिए एक छोटी चिड़िया ही हो। तो आप छोटी उसके आकार के लिए कहा है, संतोषी उसके लिए कहा है कि वो संतोष पूर्वक अपने जीवन को यापन करती है, उसे जो अन्न मिल जाता है उससे खा करके वो अपना जीवन यापन करती है। मुंह बोली और गर्वीली, उसे साहसी भी कहा है, और इसीलिए कवि ने इसको अनेक प्रकार के और भी नाम दिए हैं, छोटी, संतोषी, मुंह बोली, गर्वीली चिड़िया। तो इस प्रश्न को भी आप अपनी उत्तर पुस्तिका में करेंगे। फिर मैं एक बार प्रश्न नंबर 4 का उत्तर आप लोगों को बता देता हूं कि कवि ने चिड़िया को छोटी, संतोषी, मुंह बोली और गर्वीली चिड़िया क्यों कहा है। छोटी उसके आकार के लिए कहा है, संतोषी क्योंकि वह जीवन अपना जो मिल जाता है उसके द्वारा अपना जीवन यापन कर लेती है, मुंह बोली वो सबको बड़ी प्यारी लगने वाली है, और गर्वीली वह एक साहसी चिड़िया है इसलिए ऐसा कहा है। आशय स्पष्ट करो, रस उड़ेल कर गा लेती है। पहला जो क है हमारे प्रश्न 5 का क जो प्रश्न है कि रस उड़ेल कर गा लेती है, इसका आशय स्पष्ट करते हैं कि जब वो चिड़िया बूढ़े वन बाबा की खातिर जब जंगल में वो जाती है और उस प्रकृति के घने जंगल को देख करके उस जंगल में वो कंठ खोल कर अपने कंठ में सुंदर रस ला करके सभी के कानों को प्यारा लगने वाला ऐसा रस उड़ेल कर वो गा लेती है, और चड़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले आती है। हमारे प्रश्न नंबर 5 का ख जो हमारा उत्तर है उसका हम उत्तर लिखेंगे कि चढ़ी नदी का दिल टटोल कर। जब नदी अपने उफान पर हो और नदी में बहुत वेग से धारा बह रही हो तो वह चिड़िया जो है छोटी होकर के भी अपने साहस का परिचय देकर के जल का मोती ले आती है। वो एकदम साहस पूर्वक, उसमें उसे बिल्कुल भी भय नहीं होता, और वो उस जल के मोती, उस नदी के जल रूपी मोती को लेकर के आ जाती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपके प्रश्न जो 5 प्रश्न थे वो भी मैंने आप लोगों को बता दिए। हमारी वसंत के प्रश्न नंबर 5 से ही 5 तक ही हम लोगों को करने हैं। तो